अयोध्या में ढांचा विध्वंस की बरसी पर मथुरा की ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ का ऐलान, प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मथुरा में शाही ईदगाह में जलाभिषेक करने जा रहे हिंदू महासभा के नेता को हिरासत में लिया, शाही मस्जिद के आसपास धारा 144 लागू। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, अधीर रंजन चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, फारूख अब्दुल्ला समेत कई नेता रहे मौजूद। G20 अध्यक्षता पर पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक, पीएम ने सभी दलों के नेता और राज्यों के सीएम से मांगा सहयोग। यूपी में पीएसपीएल अध्यक्ष शिवपाल यादव बनाए जा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, सूत्रों के हवाले से खबर, अखिलेश यादव चाचा पर दिखा सकते हैं भरोसा। गुजरात में फिर से बीजेपी के वापसी के संकेत, News24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान। गुजरात में बीजेपी को 150, कांग्रेस को 19 और आपको 11 सीटें मिलने का अनुमान, News24 के टुडेज चाणक्य का सबसे सटीक अनुमान। News24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में हिमाचल में कांटे की टक्कर, बीजेपी और कांग्रेस को 33-33 सीटें मिलने का अनुमान। हिमाचल में News24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में आपके खाते में निराशा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी की लड़ाई, एमसीडी में आप 150 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आपको 150 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान, एग्जिट पोल की माने तो 15 साल बाद बीजेपी का जाना तय, आपकी बंपर जीत का अनुमान। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू जैगुआर कार ने स्कूटी पर कंपनी जा रही युवती को टक्कर मारी, लड़की की मौके पर ही हुई मौत, हादसा नोएडा के सेक्टर 96 का है। तमिलनाडु में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, बारिश की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुआ हादसा, अनियंत्रित कार एक तालाब में डूबी, कार में सवार थे 3 लोग, जैसे तैसे बची जान, बताया जा रहा है तीनों युवक शराब के नशे में धुत थे। राजस्थान के युवक का पटना में शव मिला, पटना के कंकड़बाग में एक पेड़ पर शव टंगा था, हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू की गई, शव के पास से बरामद आई कार्ड और मोबाइल से शिनाख्त की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के शिरमाल इलाके में आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया आईईडी, प्रशासन और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर रही मौजूद। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार लालू यादव का वीडियो सामने आया, लालू यादव ने सबको धन्यवाद किया, कल लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लालू यादव ने आज कहा कि वो स्वस्थ हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। धुंध और कोहरे के चपेट में दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ा, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मेरठ में हार्ट अटैक का अजीबोगरीब मामला सामने आया, सड़क पर चलते चलते युवक को छींक आई और छींकते ही सड़क पर गिर गया, 2 सेकंड में हुई मौत। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने अपनी जान को खतरा बताया है, लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले एलन मस्क ने एक चौंकाने वाला बयान दिया।